हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं साइंस का ऐसे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में दो नंबर में पूछे जाते हैं कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि पोषण वह जटिल जो उपक्रम है जिसमें जीव किसी ना किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पोषण होता क्या है। तो पोषण वह जटिल जैव परकर्म है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। आप सभी को बता दें कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वय पोषण यानी स्वयं पोषण, दूसरा होता है पर पोषण। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कुछ मैं दूं में कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाएं। मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल दो नंबर में पूछा गया था पिछले बार मैट्रिक एग्जाम में कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाएं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि एक कोशिकीय जीव कहते किसे हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जिन जीवों का शरीर एक कोशिका के मिलने से बनता है या एक कोशिका से बनता है, उन जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिन जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बनता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा जो है ना, वो एक कोशिकीय जीव है। मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो वैसे परिस्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अमीबा लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन त्वचा यानी चमड़े की सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें तीन में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखें। ये भी सवाल पिछली बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था और सवाल में आपसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और इसके लिए कौन कौन से पदार्थ है जो काफ़ी ही आवश्यक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, साथ ही CO2 मुक्त होती है, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार आसान भाषा में समझ लीजिए कि आखिर भाई साहब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो सभी हरे पादप यानी जितने भी हरे पादप होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, यानी वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी हरे पादप होते हैं उनके पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां का रंग हरा दिखाई देती है। मैट्रिक एग्जाम में कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि किसके कारण पत्तियां हरा दिखाई देती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा दिखाई देती है। तो आप सभी लिखेंगे कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो जैसे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जैसे बदल देता है ना, तो उसके साथ क्या होता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद में आज सभी पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा गया है। उसके बाद में आप सभी क्या क्या आवश्यक पदार्थ इसका रोमन नंबर एक में लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल और जल जिसे हम लोग H2O के नाम से जानते हैं। कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो ये चारों ऑप्शन में दिया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होता है, इनमें से सभी।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। हे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपने अभी तक मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जाके अपना ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ भी ढेर सारे डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरे वेबसाइट questionforexam.com पे भी जाके आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और मैट्रिक में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आखिर पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो कई बार मैट्रिक एग्जाम में श्वसन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, आखिर क्या जरूरत पड़ता है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक पड़ जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और यह पोषण परकर्म द्वारा प्राप्त भोजन से प्राप्त होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह पोषण परकर्म द्वारा प्राप्त भोजन से प्राप्त होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम आप सभी अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि श्वसन क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि आखिर श्वसन होता क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि श्वसन एक जटिल जैव परकर्म है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो निश्चित है कि अगर कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाएगा ना, तो उसके फलस्वरूप जल, ऊर्जा और CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आज सभी लिखेंगे कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए, पोषण नहीं बल्कि क्या लिखेंगे आप, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो एक होते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनाक्षी श्वसन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया गया है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन क्या है या वायवीय श्वसन क्या है। कई बार तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि निःश्वसन और निःश्वसन क्या है। तो एक निः विसर्ग वाला होता है और एक सिंपल नि होता है, तो उसका भी आंसर हम आप सभी को श्वसन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। काफ़ी सिंपल है इसका याद करना कि अवायवीय जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। आसान भाषा में समझ लीजिए कि अवायवीय श्वसन जो है ना, वो कोशिका द्रव्य में जाकर संपन्न हो जाता है, जबकि हम लोग बात करते हैं वायवीय श्वसन की, तो वायवीय श्वसन का जो संपन्न होता है ना, वो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज के छोटे छोटे जो अणु होते हैं ना, उनका खंडन होता है, यानी वो टूट जाता है, जबकि वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। आसान भाषा में समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होता है उसके बारे में आप सभी क्या जानते हैं, अर्थात मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होती है, इसी के बारे में आप सभी को आंसर देना होगा।
तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि मनुष्य में श्वसन दो तरीके से संपन्न होता है, यानी मनुष्य में श्वसन का होना दो चरण में होता है। तो आप लिखेंगे कि पहला चरण में वायु से ऑक्सीजन नासिका द्वारा, नासिका के मतलब नाक के द्वारा, फेफड़े में पहुंचती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाएं के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाता है, जहां वो जाकर पुनः हेमोग्लोबिन में बदल जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो कोशिका के कोपिकाओं में पहुंचकर नासिका से बाहर निकल जाता है। और ये जो चरण है कोशिका श्वसन का दूसरा चरण है। चलिए हम आप सभी को आसान भाषा में समझा देते हैं कि आखिर मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होता है। तो मनुष्य में श्वसन दो तरीके से संपन्न होता है। पहला चरण में वायु ऑक्सीजन, वायु से ऑक्सीजन यानी हवा से ऑक्सीजन नासिका द्वारा यानी नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंचती है। इतना तो जान गए कि हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो नाक के द्वारा हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, जिसके दीवारों में स्थित यानी फेफड़ा के दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाएँ यानी रक्त के जितने भी कोशिका होती हैं वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, यानी रक्त कोशिका के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाते हैं, जहां वो जाकर पुनः टूटकर हेमोग्लोबिन में बदल जाता है। और ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो बनता है किस कौन बनता है, CO2 बनता है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने CO2 से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़ों के कोशिकाओं में पहुंचकर नासिका से बाहर निकल जाता है, अर्थात नाक से बाहर निकल जाता है। और ये जो श्वसन का चरण है ना, ये श्वसन का दूसरा चरण है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि परिवहन क्या है। ये आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे कि आखिर परिवहन होता क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आपकी उपयोगी पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिका से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं कि जितने भी हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ होते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों तक उपयोगी पदार्थ को पहुँचने, और जितने भी हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जिसमें शरीर जिसका शरीर में कोई योगदान नहीं है, शरीर में कोई उसका कार्य नहीं है, उसका शरीर से बाहर गंतव्य स्थान तक पहुंचने के साथ एक क्रिया होती है ना, उसी क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 एक ऐसा सवाल है जो मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। आप सभी को बता दें कि जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का ऊतक होता है। तो जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक में आप सभी अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि जाइलम की कोशिका मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। आसान भाषा में समझ लीजिए कि जाइलम ऊतक का जो कोशिका होता है ना वो मरा हुआ होता है, जबकि फ्लोएम की कोशिका होता है वो जीवित होता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है जबकि फ्लोएम के माध्यम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है। उम्मीद है कि आज सभी को मालूम हो गया होगा। दोस्तों, जब भी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो वेबसाइट पे हमारे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है questionforexam.com, या आप मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आप मैट्रिक का ढेरों सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी और शिरा होता क्या है, इसके बीच में क्या क्या अंतर होता है, यही आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। भाई साहब, अब अंतर क्या होता है, तो आप रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि धमनी की भित्ति मोटी होती है। धमनी की जो भित्ति होती है ना वो मोटी होती है, तो जब जाहिर सी बात है कि धमनी की भित्ति मोटी होगी तो शिरा की भित्ति पतली होगी। तो इतना तो आप याद ही कर ही सकते हैं कि धमनी की भित्ति मोटी होती है जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि धमनी द्वारा, या ऐसे लिखेंगे कि शिरा द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है।
तो है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी देख लिए हैं एक से लेकर दस तक का साइंस का ऐसे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे द्वारा बनाए गए दोनों मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी मैट्रिक तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकमन अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।